हेलो एव yeah. कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का गाइस स्वागत है अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है सचिन अरोड़ा तो गाइस आप सभी का यहां पर स्वागत अरोन में ओ एस आई मॉडल पे देखिए नेटवर्किंग का एक बहुत ही खास टॉपिक है ओ मॉडल और आई होप कि कहीं ना कहीं आपने पढ़ते समय ये जरूर फील किया होगा कि काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओ मॉडल से चाहे वो कोई भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन ओ मॉडल से पूछे जाते हैं तो आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे ओ मॉडल के बारे में और जानेंगे कि नेटवर्किंग में इस मॉडल की क्या इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस तरीके की कितनी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए ओ मॉडल के रिगार्डिंग इन सब पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जहां जहां पर भी आप कनेक्टेड हैं टेलीग्राम फेसबुक फटाफट से गाइज एक बार आप इस सेशन को शेयर करिए फिर हम लोग इसको डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अमित जायसवाल स्मिता गुप्ता ऋतु सिंह सचिन पाल आप सभी लोगों का गाइस यहां पर स्वागत है आरके राजपूत चलिए फटाफट से एक बार शेयर करिए सेशन को देखिए ओ एस आई मॉडल है ना शुरू करते हैं इस सेशन को आई होप कि आप लोग अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स करेंगे कि आपको ये समझ में आए है ना तो आज बहुत भी कंसेंट्रेट होके पूरा आप यहां पर इस सेशन को देखिएगा और आपका हर एक डाउट आज क्लियर होगा विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस नेटवर्किंग ओ मॉडल इसको पूरी एक मूवी के तरीके से आप समझिएगा संजी, कि आज जो आप मूवी देख रहे हैं जो वेब सीरीज आप देख रहे हैं उसका नाम है ओ मॉडल राइट और ये जो मूवी है ये कब लॉन्च की गई तो आंसर है 1984 में यानी सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि ओ मॉडल जिस ईयर में लॉन्च किया गया वो ईयर है आपका नाइनटीन क्लियर है अब देखिए सबसे पहले ओएसआई मॉडल तो हम लोग समझेंगे लेकिन ओएसआई मॉडल यानी नेटवर्किंग का क्योंकि ये पार्ट है तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि नेटवर्किंग में आखिरकार ये मॉडल आया क्यों है ना पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानेंगे और ओ मॉडल के बारे में भी जानेंगे तो शुरू करने से पहले अपने आप को आप नेटवर्क इंजीनियर मान के चलिए यानी जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं वो सब ये मान लीजिए अपने आप को कि आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं और बहुत वर्ल्ड क्लास नेटवर्क इंजीनियर है ठीक है आपका बहुत नाम है आप नेटवर्किंग में मास्टर हैं तब आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा देखिए जब दुनिया में आपने नेटवर्किंग को किया क्योंकि आप नेटवर्क इंजीनियर है तो हम आपको यहां पर आप बुलाएंगे यानी नेटवर्क इंजीनियर बुलाएंगे तो जब दुनिया में नेटवर्किंग की स्टैब्लिशमेंट हुई वो ईयर क्या था यानी व्हाट प्रायर टू ओएसआई मॉडल नेटवर्किंग का स्टैब्लिश कैसे हुआ तो आप सब लोग जानते हैं कि जो नेटवर्किंग है वो इस दुनिया में आया अर्पानेट के तहत है ना अगर हम आपसे क्वेश्चन भी पूछें कि दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है तो आप कहेंगे कि सर और अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि इंटरनेट कब आया तब आप कहेंगे सर नाइनटीन के लगभग में इंटरनेट आया तो इसका मतलब अर्पानेट की अगर हम बात करें या इंटरनेट की बात करें तो ये दोनों टर्म्स बहुत लॉजिकल है गेटिंग दी पॉइंट ये बात समझ में आई होगी है ना तो यहां पर एक कमेंट भी आ रहा है 1966 में आया 1966 में अर्पानेट नहीं आया अर्पानेट आया आपका 1969 में क्लियर है 1969 में या 1960s कह दिया जाता है कई बार आप लोग क्वेश्चन में देखते हैं जब पूछा जाता है कि इंटरनेट कब स्टैब्लिश हुआ तो कह दिया जाता है 1960s में क्योंकि 1969 में ARPANET को इस्टैब्लिश किया गया जब ARPANET बना दिया गया डिफेंस सेक्टर के लिए यूएस के द्वारा बनाया गया ARPANET जब इसको एक बार बना दिया गया तो यह फील किया गया कि इसके लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए क्या होने चाहिए कुछ नियम कानून होने चाहिए और नियम कानून को कंप्यूटर की भाषा में प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है तो 1970 में ARPANET को लेकर एक प्रोटोकॉल बना जिसका नाम दिया गया टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल और आप सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट को चलाने के लिए या नेटवर्क को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल मानी गई वो है आपकी टीसीपी आई -पी, जो एक साल की कड़ी मेहनत के बाद 1970 में आई अब टीसीपीआईपी पे काम चलता रहा चलता रहा चलता रहा और 10 साल बीत गए 1983 यानी अप्रोक्स लगभग 13 साल के बाद में टीसीपी प्रोटोकॉल को एक स्टैंडर्ड का दर्जा मिल गया तेरा साल लग गए टीसीपी आई -पी प्रोटोकॉल को अपने आप को साबित करने के लिए तभी तो कहते हैं कि अगर महल आपको बनाना है तो संघर्ष भी उतना बड़ा होगा घर बनाना है तो जल्दी बनेगा है ना और महल बनाना है तो टाइम लगेगा तो आपकी सफलता में भी अगर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब कि आप महल बनाने की तैयारी कर रहे हैं गेटिंग दी पॉइंट तो तेरह साल में टीसीपीआई एक फुल फ्लैच फु नेटवर्क का हिस्सा हो गया लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के फील्ड में लगातार अपडेशन और अपग्रेडेशन होता रहता है 1984 में कहा गया कि एक प्रोटोकॉल और बननी चाहिए जो टीसीपी आईपी से भी स्टैंडर्ड हो तो 1984 में गाइस है ना यहां पर एक प्रोटोकॉल बनाई गई जिसको कहा गया ओ मॉडल लेकिन उससे पहले एक जनवरी नाइनटीन फर्स्ट जैन 1983 को एक बहुत बड़ी बात हुई इस दिन को ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया बर्थडे ऑफ द इंटरनेट तो इंटरनेट का बर्थडे कब मनाया जाता है जैसे हम सबका एक दिन होता है जिस दिन हम लोग का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है वैसे ही इंटरनेट का बर्थडे का जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया गया वो था आपका 1983 एटी थ्री फर्स्ट ऑफ जनवरी और 1984 को वो ऐतिहासिक दिन बना जब ओएसआई मॉडल की एस्टैब्लिशमेंट हुई यानी 1969 में अर्पनेट आया 1970 में टीसीपीआईपी मॉडल आया जिसने बहुत अच्छा अच्छे से प्रदर्शन किया और 1983 में इसको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया और फर्स्ट जनवरी 1983 को इंटरनेट को एस्टैब्लिश कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ टीसीपीआईपी नेटवर्क और 1984 में इसमें एडवांसमेंट हुआ और ये बन गई आपकी ओएसआई मॉडल क्लियर है यहां तक आई थिंक आपको हिस्ट्री क्लियर हो गई होगी कि ओ मॉडल आखिरकार क्यों आया टीसीपीआईपी में कोई कमी नहीं थी लेकिन टीसीपीआईपी में कुछ लिमिटेशंस थी जिनको रिमूव करने के लिए ओ मॉडल को बनाया गया टीसीपीआईपी मॉडल में चार लेयर्स मानी जाती हैं एन नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर जबकि ओ मॉडल में इन चार लेयर्स को बढ़ाकर सेवन लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है ना तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं सेवन लेयर्स होती हैं तो चलिए आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं ओएसआई मॉडल को डिटेल में सबसे पहला पॉइंट ओएसआई मॉडल के रिगार्डिंग ओएसआई मॉडल में ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट कि ओएसआई मॉडल को आखिरकार बनाया किसने किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया वेरी गुड तो इसका आंसर बनेगा आईएसओ के द्वारा ओ की जो मिरर इमेज होती है वो होती है आईएसओ और आईएसओ की फुल फॉर्म क्या है आपको लगेगा इसकी फुल फॉर्म में आई पहले आएगा फिर ऐसा आएगा फिर ओ आएगा जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म है आईओ एस यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसने स्टैंडर्ड देने में मदद करी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और किस ईयर में आया तो वो है, 1984 में। क्लियर है यहां तक अब ओ एस आई मॉडल की रिक्वायरमेंट क्या थी ये हम लोग देखेंगे अगले पॉइंट में सो ओ एस आई मॉडल इज अ टूल का टूल है जिसका यूज किया जाता है आई टी के द्वारा टू एक्चुअली ट्रेस दाउ डेटा ट्रांसफर इनटवर्क नेटवर्क में किस तरीके से डेटा को ट्रांसफर करेंड को दिया गया OSI model के तहत. Suppose कि आप मुझे एक मेल करना चाहते हैं या मुझे आप एक व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं या आप मुझे टेलीग्राम पर कोई मैसेज भेजना पाते, भेजना चाहते हैं तो इन सभी केसेस में आपको मुझसे क्या करना होगा गाईस? कम्युनिकेट करना होगा इंटरनेट के माध्यम से और इन सभी चीजों में आपको ओएसआई मॉडल की भूमिका अहम होगी यानी बिना ओ मॉडल को फॉलो किए हम लोग इंटरनेट पर कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग नेटवर्क पर कुछ भी नहीं कर सकते यहां तक क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो ओ मॉडल किस तरीके का मॉडल है यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है याद रखिएगा ओ एस आई मॉडल एक रेफरेंशियल मॉडल है या इसको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी कहते हैं फर्क क्या है रेफरेंस मॉडल और कॉन्सेप्चुअल मॉडल में रेफरेंस और कॉन्सेप्ट का मतलब यह होता है कि इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाना मुश्किल है लेकिन एक रेफरेंस के तौर पर इसको यूज कर पाना एक कॉन्सेप्ट के तौर पर इसको यूज कर पाना यह मैंडेटरी है अगर ऐसा किया तो नेटवर्किंग में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी

दस नियम बनाए है ना स्कूल में भी होते थे कि लंच इस समय करना है छुट्टी इस समय होगी लेकिन क्या सारे नियम फॉलो होते थे क्या सारे रूल्स फॉलो होते थे बिल्कुल नहीं कुछ रूल्स फॉलो नहीं होते थे सेम वैसे ही ओएसआई मॉडल में भी है ये कॉन्सेप्चुअल है सारे नियम इसके फॉलो नहीं होते इसमें कितनी लेयर्स आती हैं तो आंसर है सेवन लेयर का कॉम्बिनेशन होता है ओ मॉडल ठीक है आगे गाइस लेयर्स फॉलो अब आप जानते हैं कि यहां पर लेयर पर काम होता है सेवन लेयर्स पे काम होता है तो ये जो आपकी सेवन लेयर्स हैं वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है तो हर एक लेयर पर कोई ना कोई प्रोटोकॉल काम करती है लेयर वन से लेकर लेयर सेवन तक या लेयर सेवन से लेकर लेयर वन तक इन सब में रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रोटोकॉल्स हैं प्रोटोकॉल जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे क्लियर है यहां तक वेरी गुड अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि ओ मॉडल में ये सेवन लेयर्स कौन सी हैं वट आर दी सेवन लेयर्स इन ओ मॉडल तो आंसर है फिजिकल लेयर पहली लेयर डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट है आपकी एप्लीकेशन लेयर इसका मतलब सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है गाइस कि सबसे पहली लेयर ओ एस आई मॉडल की फिजिकल लेयर है कैंडिडेट गलती क्या करते हैं पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर को मान लेते हैं है ना तो ये गलत है पहली फिजिकल है दूसरी डेटा लिंक है और तीसरी नेटवर्क है एंड सो ऑन और सेवेंथ है आपकी एप्लीकेशन लेयर तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट लेयर कौन सी है तो फिजिकल लास्ट लेयर कौन सी है तो एप्लीकेशन एनवाईसी वर्षा इस तरीके से आप लोग आंसर देंगे अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये तो हमें याद है कि ये सेवन लेयर्स हैं कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए जिससे कि मजा आ जाए और ये लेयर्स जिंदगी भर जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये लेयर्स हमें याद रहे है ना ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक तो बिल्कुल पेश है आपकी खिदमत में एक शानदार शॉर्ट ट्रिक आप एसटी नहीं दे पाएंगे एस मतलब स्पीड टेस्ट आप जानते हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए स्पीड टेस्ट दिया जाता है और अगर आपको ये याद रखनी है तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा आप ST नहीं दे पाएंगे अब इसका मतलब कैसे कोरिलेट कर रहे हैं चलिए जानते हैं आप ए मतलब एप्लीकेशन पी मतलब प्रेजेंटेशन आप हो गया एस मतलब सेशन टी मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं एन से हो गया नेटवर्क दे पाएंगे डी से हो गया डेटा लिंक और पी से हो गया फिजिकल लेयर। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और आई so ट्रिक से आपको याद भी हो गया होगा अगर आपको कोई और ट्रिक पहले से पता है तो आप उसके साथ कंसिस्टेंट रह सकते हैं है ना आपको ट्रिक चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मुद्दा बस एक ही है कि आपको याद हो जानी चाहिए ये सेवन लेयर लेकिन अगेन गाइस मैं फिर से रिपीट कर दूं पहली लेयर एप्लीकेशन नहीं है एप्लीकेशन लेयर लेकी सेवेंथ आपकी फिजिकल लेयर है क्लियर है यहां तक वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो हमने क्लियर कट पिक्चर की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करी है कि लेयर वन प्रोटोकॉल लेयर टू प्रोटोकॉल और लेयर थ्री प्रोटोकॉल एंड वर्सा ये आपकी सेवन प्रोटोकॉल्स होती हैं या सेवन लेयर प्रोटोकॉल्स आप इसको कह सकते हैं यहां पर दो के बीच में हमने क्यों कॉम्युनिकेशन किया है क्योंकि नेटवर्किंग में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमेशा कितने कंप्यूटर्स होते हैं दो कंप्यूटर्स आपका कंप्यूटर आपका नेटवर्क और मेरा कंप्यूटर और मेरा नेटवर्क ये दोनों अलग अलग होंगे मेरे कंप्यूटर और लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अलग है आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अलग है मेरे पास किसी दूसरे नेटवर्क का सर्विस प्रोवाइडर है आपके पास किसी कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है है ना तो यानी मैं किसी और मॉडेम का यूज कर रहा हूं आप किसी और मॉडेम का यूज कर रहे होंगे आप मोबाइल में हो सकता है देख रहे हो मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूं बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब कि नेटवर्किंग में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं और लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो इसके लिए ओएसआई मॉडल की ये सेवन लेयर्स का यूज किया जाता है आइए चलते हैं थोड़ा डिटेल में बात करते हैं अब देखो अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने आता है डेटा लिंक लेयर से आप लोग जानते हैं जो सेकंड लेयर होती है ओ मॉडल में वो होती है डेटा लिंक लेयर एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि डेटा लिंक लेयर की ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं यानी डेटा लिंक लेयर आपकी दो में डिवाइडेड होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल जिसको एल कहते हैं और दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसको एम बोलते हैं तो अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछे कि डेटा लिंक लेयर किन दो लेयर्स में डिवाइडेड है तो आंसर होगा एलएलसी में लॉजिकल लिंक कंट्रोल में और मीडिया एक्सेस कंट्रोल में ये जरूर याद रखिएगा इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे चलिए नेक्स्ट ओ मॉडल में सेवन लेयर्स ऑफ वर्किंग ये जो आपके सामने पेज आने जा रहा है ये रामबाण है यानी ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है है ना अगर आपने इस पेज को समझ लिया इस पार्टिकुलर स्लाइड को आपने समझ लिया तो ओएसाई मॉडल के सारे क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं इसका मतलब ये एकमात्र ब्रह्मास्त्र आपके सामने मैं दे रहा हूं है ना अब आप उसको कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर है चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस फिजिकल लेयर के बारे में क्या होती है फिजिकल लेयर और क्या काम होता है फिजिकल लेयर का चलिए बात करते हैं नाम से ही पता चल रहा है फिजिकल यानी ऐसी चीजें जिसको हम लोग टच कर सकते हैं इंटरनेट पर या नेटवर्क पर उसको हम बोलते हैं फिजिकल अब बताइए कि नेटवर्क में आप क्या क्या टच कर पाएंगे सर हम टच कर पाएंगे केबल्स को अच्छा केबल्स आपकी फिजिकल लेयर का पार्ट हो गई सर हम टच कर पाएंगे कंप्यूटर्स को अच्छा कंप्यूटर मतलब टोपोलॉजी यानी किस तरीके से कंप्यूटर को अरेंज किया जाए इसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी टोपोलॉजी भी फिजिकल का पार्ट हो गया यानी वो सभी चीजें जिनको आप टच कर सकते हैं फिजिकल एपियर होती हैं वो आपकी फिजिकल लेयर का पार्ट होती है बात क्लियर है चलिए आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं वायर्ड या वायरलेस मीडियम अगर कहीं भी वायर्ड मीडियम की बात हो यानी केबल्स की बात हो वायरलेस मीडियम की बात हो यानी वाईफाई की बात हो तो फिजिकल लेयर का बात होगी टोपोलॉजी की कहीं पर भी बात की जा रही हो जैसे बस टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी अगेन आंसर होगा फिजिकल लेयर। ट्रांसमिशन मोड की बात अगर कहीं पर की जा रही हो सिंप्लेक्स मोड डुप्लेक्स मोड फुल डुप्लेक्स मोड अगेन आंसर होगा फिजिकल लेयर ये तीनों आप याद रखिएगा तो आपका फिजिकल लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा क्या यह बात क्लियर है क्या ये बात क्लियर है गाइस चलिए अगला क्वेश्चन गाइस डेटा लिंक है ना व्हाट इज डेटा लिंक क्लियर देखो डेटा लिंक क्लियर की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं है ना तो आप क्या देखते हैं कि मैसेज में कोई एरर तो नहीं सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज रिसीवर तक प्रॉपरली रिसीव हो जाए यह गारंटी लेता है आपका डेटा लिंक क्लियर एरर डिटेक्शन और एरर का करेक्शन यानी अगर कोई गलती हो रही है तो उस गलती को पकड़ा जाए और इसको करेक्ट किया जाए यह डेटा लिंक लेयर की रिस्पांसिबिलिटी है। इसके साथ-साथ मैक एड्रेस को स्टैब्लिश करना यह भी डेटा लिंक लेयर की रिस्पांसिबिलिटी है मैक एड्रेस मतलब इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं जो कि 48 बिट का होता है तो मैक एड्रेस की कहीं पर भी बात की जाए तो समझ जाइए कि ये डेटा लिंक लेयर का पार्ट है और जब भी हम एड्रेस की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एक सोर्स होगा और एक डेस्टिनेशन होगा आपका डेटा लिंक लेयर होगा और इसके साथ साथ नोड टू नोड डिलीवरी ये वर्ड जरूर याद रखिएगा नोड टू नोड डिलीवरी यानी एक तरफ से दूसरी तरफ डिलीवरी करना टू डिलीवरी यह भी पार्ट होता है आपका डेटा लिंक लेयर का तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा फिजिकल लेयर मतलब कोई भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल चीज का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं फिजिकल है जैसे वायर wire या वायरलेस टोपोलॉजी या ट्रांसमिशन मीडिया फिजिकल है डेटा लिंक लेयर की बात करें तो इसका मतलब जितना भी एरर डिटेक्शन है एरर का करेक्शन है मैक एड्रेस है नोट टू नोट कनेक्टिविटी है ये आपकी डेटा लिंक लेयर का पार्ट हो गया क्लियर है वेरी गुड नेक्स्ट नेटवर्क लेयर क्या है देखो नाम से ही काफी कुछ पता चल जाता है नेटवर्किंग और नेटवर्क करने के लिए हमें आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है है ना बिना आईपी एड्रेस के हम लोग नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो सकते तो इसका मतलब जब भी नेटवर्क लेयर की बात हो यानी थर्ड लेयर की बात हो तो यहां पर बात होती है आईपी एड्रेस की और जैसे कि मैक एड्रेस का सोर्स और डेस्टिनेशन था वैसे ही आईपी एड्रेस का भी क्या होगा एक सोर्स होगा और एक डेस्टिनेशन होगा यानी डेटा कहीं से चलेगा और डेटा कहीं पर पहुंचेगा इसको बोलते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन प्लस पैकेट की डिलीवरी आप जानते हैं कि नेटवर्क में कुछ भी कोई भी डेटा जो ट्रैवल करता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है किसके फॉर्म में होता है गाइस पैकेट्स के फॉर्म में तो कहीं भी आईपी एड्रेस की बात हो कहीं भी पैकेट्स डिलीवरी की बात हो तो आंसर क्या होगा नेटवर्क लेयर होगा क्या ये तीनों क्लियर हो गए फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क क्या इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फटाफट से एक बार यस सर यस सर यस सर लिख के बताइए नमिता जी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप किसी भी वीडियो को चेक कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसको क्लिक करने पर आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी चलिए तो ये तीन लेयर आपको समझ में आ गई बढ़ते हैं आगे फोर्थ लेयर लेयर। पे ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है यानी किसी भी सामान को लोड करना और अनलोड करना ट्रांसपोर्टेशन है किसी भी सामान को ट्रेवल करवाना ट्रांसपोर्टेशन है है हाँ ना तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है नेटवर्किंग में यही है सेगमेंटेशन जब कभी भी सेगमेंट की बात हो कि डेटा को सेगमेंट में भेजा जा रहा है अब डेटा को सेगमेंट में क्यों भेजते हैं डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है सेगमेंट में तोड़ा जाता है और फिर उसको नेटवर्क में ट्रेवल करवाया जाता है ऐसा क्यों क्योंकि बहुत सारे ऐसे शरीफ लोग नेटवर्क में हैं जो डेटा को लेने के लिए बैठे हुए हैं है ना जिन्हें हैकर के नाम से आप लोग जानते हैं है ना शरीफ होते हैं बेचारे कोई बात नहीं हैक करते हैं लेकिन फिर भी शरीफ हैं तो ये इसलिए हम डेटा को क्या करते हैं सेगमेंट में तोड़ देते हैं और सेगमेंट में तोड़ने की वजह से डेटा हमारा बहुत हद तक सिक्योर हो जाता है है ना तो ये सेगमेंटेशन की बात अगर आए तो ट्रांसपोर्ट की बात होती है टी और यूडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टी और यूडीपी किस लेयर का पार्ट है तो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ये दोनों ही प्रोटोकॉल आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पर शानदार तरीके से काम करती हैं। इन दोनों का काम क्या है ये भी हम बताते हैं आपको टीसीपी ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और नॉन रिलायबल प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आती है इसका मतलब क्या है सर थोड़ा समझा दीजिए बिल्कुल समझिए देखिए टीसीपी का मतलब है जब आप वायर के थ्रू डेटा को सेंड करते हैं है ना तो वो टीसीपी है और जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं तो वो यूडीपी है इसका मतलब कि जहां पर डेटा लॉस होने की संभावना है वो यूडीपी है और जहां डेटा लॉस होने की संभावना नहीं है वो टीसीपी है एक एग्जाम्पल से दोनों को समझते हैं सपोज करिए आपने अपनी किसी फ्रेंड को मैसेज लिखा है ना जैसे व्हाट्सएप पे लिखते हैं आपने एक व्हाट्सएप मैसेज किया अपने फ्रेंड को क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो मैसेज थोड़ा पहुंचे थोड़ा ना पहुंचे आपने लिखा हेलो हाउ आर यू है ना हेलो कैसी हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपका हेलो पहुंच जाए और कैसी हो या क्या कर रहे हो ये ना पहुंचे नहीं हो सकता तो यानी ये टीसीपी है यूडीपी की बात करते हैं आप वीडियो कॉल पे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या अपने घर वालों से बात कर रहे हैं कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि बात करते करते थोड़ा सा हो जाता है बीच में। आप कहते हो, हेलो हेलो तो सामने वाला कहता है, हेलो, हेलो चेहरा नहीं दिख रहा हेलो, 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 हेलो ये होता है ना तो यानी ये यूडीपी है जहां पर डेटा लॉस पॉसिबल है इसी के साथ साथ आप लोग ने देखा होगा जब आप कोई लाइव वीडियो देखते हैं है ना जैसे अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं हो सकता है एक सेकंड के लिए बीच में बफर हो जाए है ना तो ये आपका यूडीपी है, है, है लेकिन स्पीड किसकी तेज होगी यूडीपी की स्पीड फास्टेस्ट होगी टीसीपी के कंपेरिजन में क्योंकि टीसीपी एक्नोलेजमेंट लेती है और यूटीपी में कोई भी एक्नोलेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती बात समझ में आ गई तो हर चीज की कोई साइड इफेक्ट होते हैं हर चीज के कोई बेनिफिट होते हैं क्लियर है हाँ बिल्कुल अभिषेक तिवारी जी यूडीपी का मतलब लाइव स्ट्रीमिंग आप कह सकते हैं क्लियर है इसके साथ साथ एड्रेस जब हम पोल्ट नंबर की बात करते हैं या पोल्ट एड्रेस की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात होती है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की बात हो तब भी ट्रांसपोर्ट की बात होती है यानी एक पॉइंट मेरा और एक पॉइंट आपका और हम दोनों यहां से कनेक्टेड है तभी आप मुझे देख पा रहे हैं और तभी आप मुझे सुन भी पा रहे हैं एंड टू एंड डिलीवरी यानी एक तरफ से दूसरी तरफ यानी दोनों तरफ मैसेज की डिलीवरी हो यह भी ट्रांसपोर्ट लेयर देखती है और इसके साथ साथ अगर कोई एरर में गलती हुई या कोई भी मैसेज भेजने में कोई एरर हुई तो इस केस में उसकी रिकवरी होगी यानी गलती से अगर कोई मिस्टेक हो गई तो इसकी रिकवरी भी कहां पर होगी ट्रांसपोर्ट लेयर की अब एक क्वेश्चन यहां पर आता है जहां कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं मैंने आपको दो चीजें बताई हैं डेटा लिंक लेयर में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो लिखा है एरर का डिटेक्शन और एरर का करेक्शन लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट लेयर में आप देखें तो यहां लिखा है एरर की रिकवरी तो इनमें डिफरेंस जरूर आप समझिएगा एरर को डिटेक्ट करना मतलब पकड़ना करेक्ट करना मतलब सुधारना और रिकवरी करना मतलब कि लगातार उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना उसको रिकवर करते रहना है ना तो ये अंतर है आई होप कि अब इन चारों लेयर्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट अब बढ़ते हैं अगले लेयर की तरफ जो कि है सेशन लेयर ठीक है चलो वेरी गुड सेशन लेयर सेशन क्या है सेशन है एक तरीके से आप इसको समझिए संबंध एक रिलेशनशिप है यानी आप देखते हैं कुछ लोगों से आपके रिलेशनशिप काफी अच्छी होती है बॉन्ड काफी अच्छा होता है लेकिन हो सकता है कुछ समय के बाद वो बॉन्ड खराब भी हो जाए है है ना ऐसी पॉसिबिलिटी तो इसका मतलब कि इंसान अच्छा और बुरा नहीं होता वक्त अच्छा और बुरा होता है तो जब हम टाइम की बात करते हैं तब हम बात करते हैं सेशन की कंप्यूटर की लैंग्वेज में जरा देखते हैं इसको आप लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट कई बार किया होगा ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जरा सी भी देरी करते हैं है ना तो उसके बाद आपका वो ट्रांजेक्शन हो जाता है यानी नहीं होता ऐसा नहीं है कि आपने ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिया और आप आराम से सो गए है ना आपने कहा चलो अभी 10 मिनट के बाद कर लेते हैं पहले कॉफी पी लेते हैं है ना ट्रांजेक्शन कहेगा टाटा बाय बाय क्योंकि मेरी एक लिमिट है मेरा एक सेशन है और सेशन के अंदर रहकर ही मुझे काम करना है अगर आपने दस सेकेंड में वो ट्रांजेक्शन किया तो किया नहीं किया तो मैं चला टाटा बाय बाय है ना यानी वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा आपको फिर से पूरा प्रोसेस करना होगा तो सेशन का मतलब क्या है इसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रीट करिए जैसे ही आप कहीं भी ट्रांजेक्शन करना शुरू करते हैं इसका मतलब कि आपका कनेक्शन क्रिएट हो गया मैनेज हुआ जैसे ही आपने क्रेडेंशियल्स एंटर किए अपने डेबिट कार्ड को एंटर किया सीवीवी नंबर एंटर किया तो वो मैनेज हुआ और अगर आपका सक्सेसफुली हो गया तो आपको एक मैसेज मिलता है सक्सेसफुली डन यानी अब आपका सेशन क्लोज हो चुका है मेल सेंड सक्सेसफुली ये भी सेशन का काम है जैसे कि आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा डबल टिक और ब्लू टिक ये क्या है डबल टिक और ब्लू टिक ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि अगर आपने किसी को मैसेज किया और वो सिंगल टिक है तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि सामने वाले का इंटरनेट अभी ऑन नहीं है नेटवर्क अभी ऑन नहीं है इसलिए वो सिंगल टिक दिखा रहा है यानी आपकी तरफ से चला गया लेकिन उसका उसको तब रिसीव होगा जब वो इंटरनेट ऑन करेगा जैसे ही उसने इंटरनेट ऑन किया उसका डबल टिक हो गया डबल टिक का मतलब कि सामने वाले भाई साहब का जो इंटरनेट है वो ऑन हो चुका है अब डिलीवर हो चुका है मैसेज और जैसे ही ब्लू टिक आ गया इसका मतलब कि अब सामने वाले पर्सन ने आपके भेजे हुए मैसेज को रिसीव कर लिया यही होता है ना और रिसीव का अगर मैसेज नहीं आता है है ना उसके बाद आप देखते हैं अच्छा रिसीव हो गया ब्लूटिक हो गया फिर भी आपको रिवर्ट नहीं हुआ तो होता है आखिरकार ब्रेकअप है ना तो ये क्रेडिट भी किसको जाता है वो मॉडल को जाता है जिससे कि आपको बैठे बैठे पता चल जाता है कि आपका मैसेज कब रिसीव हुआ कब रीडर ने उसको रीड किया ये जो सक्सेसफुल सेंड का जो ऑप्शन है ये सेशन लेयर की देन है जैसे कि मेल में भी आप लोग देखते हैं मेल भेजने के बाद एक फीडबैक आपको मिलता है योर मेल इज तो ये भी क्रेडिट किसको जाता है सेशन भाई साहब को ही जाता है क्लियर है चलिए वेरी गुड तो सेशन लेयर आपको समझ में आ गया कि ये एक तरीके दो बातें करता है पहली बात ये फीडबैक जनरेट करता है फीडबैक मतलब कि आपका मैसेज पहुंच गया यह फीडबैक जनरेट करना और दूसरा एक सिक्योरिटी मैनेज करता है यानी सेशन को को क्रिएट क्रिएट करता 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 है, है, है कनेक्शन मैनेज और क्लोज करता है सेशन लेयर का फंडामेंटल क्लियर हो गया तो कहीं भी सेशन की बात हो कनेक्टिविटी की बात हो मेल सेंड सक्सेसफुली मैसेज यानी फीडबैक की बात हो तो आंसर होगा सेशन करते हैं प्रेजेंटेशन पर चलिए ये रहा प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन होता क्या है पहले समझते हैं इसको मैं आपको इस समय स्लाइड की मदद से क्या दे रहा हूं प्रेजेंटेशन इसका मतलब कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आप उसको अपनी अपनी भाषा में समझ रहे हैं है ना कोई किसी तरीके से समझ रहा है कोई किसी तरीके से समझ रहा है तो इसका मतलब कि जब भी हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात वहां पर क्या आती है ट्रांसलेशन की यानी जब भी कोई किसी चीज को प्रेजेंट करता है हर कोई अपने अपने तरीके से उसको समझता है ट्रांसलेट हो गया ट्रांसलेशन कहीं या एक्सटेंशन कहीं बात एक ही है जैसे कि मैं आपको अगर दे रहा हूं, तो इसका मतलब डॉट एक्सटेंशन होगा अगर मैं आपको एमएस वर्ल्ड की फाइल पे प्रेजेंटेशन दू तो इसका मतलब डॉट डीओसी अगर मैं आपको नोट की फाइल के थ्रू आपको समझाऊं तो इसका मतलब डॉट टीएक् एक्सटेंशन होगा तो ट्रांसलेशन भी होगा और एक्सटेंशन भी होगा अगला पॉइंट कॉम्प्रेशन सपोज करिए कि मुझे आपको एक मैसेज भेजना है व्हाट्सएप के थ्रू तो क्या वो मैसेज इनक्रिप्ट होगा कॉम्प्रेस होगा डिक्रिप्ट होगा आप देखते हैं कि व्हाट्सएप में कई बार आप जितने भी मैसेज भेजते हैं जितनी भी इमेजेस आप भेजते हैं या जितनी भी वीडियो आप भेजते हैं वो सब आपकी ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाती हैं। ये बात शायद आप लोग जानते होंगे तभी लोग व्हाट्सएप का यूज कम करता है किसी भी इमेज को भेजने के लिए और टेलीग्राम का यूज ज्यादा करता है क्यों क्योंकि टेलीग्राम में एक ऑप्शन गिवेन है कि आप उस इमेज को कंप्रेस करके भी भेज सकते हैं और बिना कंप्रेस किए भी आप किसी भी इमेज को भेज सकते हैं यानी डिलीवर कर सकते हैं तो यह बात हो गई आपकी कंप्रेस करने की इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आप जानते हैं व्हाट्सएप ने भी कहा है कि आपके द्वारा भेजे गए सारे मैसेज कैसे हैं इनक्रिप्टेड हैं और सिर्फ रिसीवर ही उसको क्या कर पाएगा डिक्रिप्ट कर पाएगा ऐसा वादा है व्हाट्सएप का टेलीग्राम भी यही कहता है कि आपके मैसेज इंक्रिप्टेड मोड में ही ट्रांसफर होते हैं तो इसका मतलब कि इंटरनेट पर जितनी भी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात की जाती है वो काउंट करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में और ये बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है आप मान के चलिए हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस व्हाट्सएप ये कह दे कि आपके मैसेज कोई और भी देख सकता है आपके घर वाले भी देख सकते हैं आपके पेरेंट्स भी देख सकते हैं हस्बैंड भी देख सकता है वाइफ भी देख सकती हैं हर कोई देख सकता है तो आप क्या कहेंगे ना 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 अब तो यूज नहीं करना है ना हर कोई देख सकता है मैसेज प्राइवेसी खत्म हो गई यानी ये प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक नहीं है ऑथेंटिक का मतलब ट्रस्ट वर्दी नहीं है तो यानी ये ट्रस्ट वर्दीनेस बनाने का काम प्रेजेंटेशन लेयर का होता है यानी कोई तीसरा पर्सन आपके मैसेज को ना देखे ये गारंटी है किसकी प्रेजेंटेशन लेयर की क्या ये बात क्लियर है तो आपके डेटा की सुरक्षा करना ही प्रेजेंटेशन लेयर की है। इसका मतलब कि कभी आपको ट्रांसलेट दिखे कॉम्प्रेशन दिखे ऑथेंटिकेशन दिखे तो आप समझ जाइएगा बात किसकी हो रही है प्रेजेंटेशन लेयर की शानदार समझ में आ गया आखिरी पड़ाव पे चलते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन की।, की एक खास बात होती है यूजर टू यूजर इंटरेक्शन यानी फाइनल जब इंटरेक्शन आपसे होता है किसी का तो वो एप्लीकेशन लेयर के तहत होता है इस समय आप मुझे देख पा रहे हैं यहां पर यूजर से यूजर इंटरेक्शन हो रही है ये एप्लीकेशन लेयर की ही देन है अब मैं आपको कैसा दिख रहा हूं ये अगेन एप्लीकेशन लेयर डिसाइड करती है जैसे आप लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि वो वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है ये डिसाइड करने का काम भी किसका है एप्लीकेशन लेयर का है मतलब यूजर से यूजर इंटरेक्शन की बात करें सर्विसेज़ टू यूजर को बात करें कि यूजर को कौन कौन सी सर्विसेज़ मिल रही हैं ऑल एप्लीकेशन की बात करें सॉफ्टवेयर की बात करें प्रोटोकॉल की बात करें जैसे एस टी टेलनेट और एस ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है गाइस एप्लीकेशन की होती है क्लियर है तो एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं इन सेवन लेयर को फिजिकल लेयर मतलब कि जिनको हम टच कर सकते हैं फिजिकल लेयर मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात करें वायर्ड है कि वायरलेस है टोपोलॉजी है ट्रांसमिशन मीडियम सिंपलेक्स डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स डेटा लिंक लेयर की बात करें डेटा लिंक लेयर में सर ने कहा था मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर दो में डिवाइडेड है अभी मैंने पीछे बताया एल में और मैक में नोर टू नोर डिलीवरी की बात हो एरर को करेक्ट करने की बात हो या एरर को डिटेक्ट करने की बात हो डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर डील करता है आईपी एड्रेस के साथ और पैकेट्स को भेजने में मदद करता है ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा यानी टीसीपी और यूडीपी सर ने बताया था टीसीपी मतलब सर ने बताया था कि टीसीपी में एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है यानी टेक्स्ट मैसेज टीसीपी और अगर वीडियो कॉल तो यूडीपी पोल्ट के एड्रेस की बात करें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की बात करें एंड टू एंड डिलीवरी की बात करें या एरर करेक्शन की बात करें ट्रांसपोर्ट है सेशन मतलब सेशन बनेगा क्लोज होगा और अगर डिले हुआ तो ये सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा मेल सेंड सक्सेसफुली डन फीडबैक की बात करें तो ये सेशन है प्रेजेंटेशन की बात करें तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऑथेंटिकेशन ये सब आपके प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट बनेगा एप्लीकेशन का मतलब यूजर से यूजर इंटरेक्शन और वो सारी प्रोटोकॉल जो यूजर टू यूजर इंटरेक्ट करती हैं उसे हम एप्लीकेशन लेयर की कैटेगरी में रखते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये मेरा विश्वास है आगे बात करते हैं अब इसके बाद में कहानी शुरू होती है है ना अगला जो पड़ाव होता है वो क्या है प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट इसका मतलब हर एक लेयर में डेटा का ट्रांसफर होता है ये आपने देखा हर लेयर में कुछ ना कुछ डेटा ट्रांसफर होगा फिजिकल में भी डेटा लिंक लेयर में भी नेटवर्क में भी एंड सोन so अब इन सभी लेयर्स में जो डेटा ट्रैवल होता है या ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा फिजिकल लेयर में डेटा ट्रेवल होता है बिट के फॉर्म में डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स के फॉर्म में नेटवर्क पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स के फॉर्म में और ऊपर की जो तीन लेयर हैं उसमें डेटा डेटा को data के फॉर्म में ही ट्रेवल करवाते हैं। तो याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं नेटवर्क लेयर में डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल होता है आंसर है पैकेट्स के फॉर्म में फिजिकल लेयर में डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल होता है आंसर है बिट्स के फॉर्म में डेटा लिंक लेयर में डेटा किसके फॉर्म में ट्रेवल होता है आंसर है फ्रेम्स के फॉर्म में तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा बिट्स फ्रेम पैकेट सेगमेंट और डेटा ये आपको याद रखना है क्लियर है वेरी गुड गाइस कीप इट अप। चलो बहुत बढ़िया अगला किस लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना तो इसको हम याद करने की आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आपको तुरंत याद हो जाएगा कि किस लेयर पर कौन सी डिवाइस काम कर रही है डिवाइस का मतलब नेटवर्किंग डिवाइस और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं वेरी गुड सोच लिया होगा आपने अभी तक हब रिपीटर गेटवे राउटर स्विच है ना ये सब आपकी क्या है गाइस नेटवर्किंग डिवाइस है अब आपको यह बताना है कि फिजिकल लेयर में कौन सी डिवाइस काम करती है डेटा लिंक लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है नेटवर्क पर एंड सो ऑन तो चलिए डिस्कस करते हैं गाइस वन बाय वन फिजिकल लेयर में दो डिवाइसेस काम करती हैं हब और रिपीटर यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फिजिकल लेयर में कौन सी डिवाइस आंसर होगा हब एंड रिपीटर अब इसको याद कैसे करें एचआर डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा आपने हर एक कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तो इस एचआर से आप याद रखिए कि एच फॉर हब और आर फॉर रिपीटर और ये दोनों काम करती हैं फिजिकल लेयर पर। और इसी के साथ साथ जितनी भी केबल्स होती हैं, जैसे कोएक्सियल केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल ये भी आपकी फिजिकल लेयर पर ही काम करती हैं आगे स्विच और ब्रिज स्विच डिवाइस और ब्रिज डिवाइस की गाइस अगर हम बात करें तो ये आपकी डेटा लिंक लेयर पर काम करती हैं। याद कैसे करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला क्या है एस बी आई तो आई हटा दीजिए एस और ब्रिज एस और बी यानी एस फॉर स्विच और बी फॉर ब्रिज तो एच आर से हो गया हबर रिपीटर डेटा लेयर में एस बी आई आई हटा दीजिए स्विच और ब्रिज ये दो डिवाइसेस काम करती हैं, नेटवर्क लेयर में काम करती है आपका राउटर है ना नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस की बात हुई थी यानी आईपी एड्रेस को भेजना ये पूरा देखभाल कौन करता है राउटर करता है डेटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस की बात हुई थी यानी स्विच और ब्रिज जो है वो मैक एड्रेस को डील करता है ट्रांसपोर्ट लेयर अब जितनी भी लेयर है ऊपर वाली इन सब में गेटवे का यूज होता है किसका यूज होता है गेटवे का बस याद हो गया आपको एक बार फटाफट थम्सअप देके बताइए क्या यहां तक समझ में आ गया फटाफट थम्सअप दे देके बताइए इस क्लियर है हब एंड रिपीटर फिजिकल लेयर स्विच और ब्रिज डेटा लिंक लेयर नेटवर्क पे राउटर और ऊपर की जितनी भी चारों चारों लेयर हैं इन सभी में आपका गेटवे का इस्तेमाल होता है क्लियर है तो अब किसी भी लेयर पर आपको कोई भी डिवाइस पूछ ली जाए क्या आपके पास आंसर होगा यस सर अब बिल्कुल आंसर आपके पास होगा चलो अगला क्वेश्चन किस लेयर पर किस एड्रेसिंग का यूज हो रहा है इसके बारे में भी बात करते हैं शानदार किस लेयर पर कौन सा एड्रेस यूज हो रहा है अब आप मुझसे पहले बताएंगे कि सर इस लेयर पर ये एड्रेस बताओ फिजिकल लेयर में कौन सा एड्रेस सर फिजिकल लेयर में तो कोई एड्रेस की बात ही नहीं हुई थी बिल्कुल सही फिजिकल लेयर कई कोई भी एड्रेस नहीं है नन दूसरा डेटा लिंक लेयर में किस एड्रेस की बात है सर अभी आपने पीछे बताया कि डेटा लिंक लेयर लेयर यानी सेकंड सेकंड लेयर मतलब मैक एड्रेस जो कि डिवाइड हुआ था एलएलसी और मैक में है ना तो इसका मतलब कि यहां पर किस एड्रेस की बात होगी मैक एड्रेस की कितने बिट का होता है 48 बिट का मैक एड्रेस को क्या कहते हैं फिजिकल एड्रेस तो यानी एड्रेस कौन सा हो गया मैक एड्रेस भी आप कह सकते हैं या फिजिकल एड्रेस भी आप कह सकते हैं क्लियर है बात अगला नेटवर्क अब नेटवर्किंग में बताओ नेटवर्क प्रोटोकॉल पे या नेटवर्क लेयर पे कौन सा एड्रेस यूज होता है सर बहुत क्लियर है आपने अभी बताया था कि जितने भी राउटर होते हैं वो नेटवर्क पर काम करते हैं और राउटर अगर नेटवर्क पर काम करेंगे तो इसका मतलब आईपी एड्रेस आपने बताया था कि ये नेटवर्क लेयर का पार्ट है सर आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं तो इसका मतलब यहां पर फिजिकल एड्रेस के साथ में क्या बनेगा लॉजिकल एड्रेस बनेगा नेटवर्क लेयर पे फिजिकल एड्रेस नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस जिसको लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं क्लियर है ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा एड्रेस पोल्ट एड्रेस अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में पोल्ट पर काम करते हैं तो पोल्ट एड्रेस यहां पे हर एक पोल्ट का अलग अलग एड्रेस होता है तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर किस पर काम करता है पोल्ट एड्रेस पे सेशन लेयर कोई भी नहीं प्रेजेंटेशन एड्रेस नहीं और एप्लीकेशन एड्रेस पे काम करता है जिसका नाम है एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस ए एस यानी हर एक एड्रेस के लिए हर एक एप्लीकेशन के लिए एक अलग एड्रेस होता है जैसे एसटीटीपी के लिए एक अलग एड्रेस FTP के लिए एक अलग एड्रेस है ना तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस यहां पर होगा क्लियर है इज दैट क्लियर टू एवरी गुड रितु सचिन पाल अभिषेक तिवारी सुनीता कुमारी है ना अमित कुमार वर्मा चलो आई होप यहां तक क्लियर होगा आप सभी को चलो आगे बढ़ते हैं यह बात हो गई एड्रेस के बारे में प्रोटोकॉल्स के बारे में बेसिकली और क्या वर्किंग होती है किस लेयर की डेटा कैसे ट्रैवल होता है और किस फॉर्म में ट्रैवल होता है ये सारी जानकारी अभी तक हम लोग ले चुके हैं अब बात करते हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में कि किस लेयर पर कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है सबसे पहले फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर पे वैसे तो किसी प्रोटोकॉल का काम नहीं है लेकिन फिजिकल लेयर में ईथरनेट का यूज किया जाता है ईथरनेट आपका फिजिकल लेयर के साथ साथ डेटा लिंक लेयर का भी पार्ट होता है याद रखिएगा इस बात को फिजिकल लेयर में कोई प्रोटोकॉल नहीं आती फिजिकल लेयर में इथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज होता है और इथरनेट का मतलब होता है लैंड टेक्नोलॉजी क्या होता है गाइस? टेक्नोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लोग इथरनेट के नाम से भी जानते हैं और डेटा लिंक लेयर पर भी इथरनेट का यूज होता है इसके साथ साथ वी लैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क रिंग एटीएम एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल स्लिप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पीपीटीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आई ट्रिपल एट जीरो टू पॉइंट इन सब का यूज होता है डेटा लिंक क्लेयर पर नेटवर्क क्लेयर पर आप जानते हैं आईपी एड्रेस यानी आई फोर और आई सिक्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स का यूज और इसके साथ साथ आईसीएमपी मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर अभी आपने देखा टीसीपी और यूडीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इन दोनों में क्या अंतर है ये भी आप समझ गए होंगे टेक्स्ट मतलब टीसीपी और यूडीपी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लाइव स्ट्रीमिंग अगला सेशन लेयर प्रोटोकॉल की बात करें पीपीटीपी पॉइंट -पी टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल बहुत ही अच्छी प्रोटोकॉल होती है जो आपके मैसेज को सिक्योर तरीके से भेजती है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल नेट बायोस नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आरपीसी रिमोट प्रोसीजरल कॉल ये आपकी सेशन लेयर का पार्ट है प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें शायद थोड़ा सा छुप रहा है ना मेरे पीछे मी मेक माई सेल्फ छोटा क्लियर है चलो बीच में आ जाता हूं यहां पर <laughs> चलिए तो जादू है हम कहीं भी पहुंच जाते हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर पर कौन कौन सी है गाइस एस एस एल सिक्योर्ड सॉकेट लेयर टीएलएस माइम मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन अस्काई एमपीजी जेपीजी PNG MP3 थ्री है ना ये सब एक्सटेंशन आपके प्रेजेंटेशन पर यूज होते हैं एप्लीकेशन लेयर की बात करें, इसकी प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है एस टी टी पी हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टेलनेट टेलनेट मतलब टेली टाइप नेटवर्क एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल भेजने के लिए पॉप थ्री पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन थ्री मेल रिसीव करने के लिए डीएनएस नेम सिस्टम डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये सारी प्रोटोकॉल्स हैं आपकी जो ओएसआई मॉडल में डील होती हैं। क्लियर है गाइस क्या ये प्रोटोकॉल समझ में आ गई आपको अगर समझ में नहीं आई इनकी फुल फॉर्म्स आप चाहते हैं तो ये रही सारी फुल फॉर्म्स चलिए एक एक करके प्रोटोकॉल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो अभी मैंने आपको समझाया एस टी टीपी हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल बहुत ही दिलचस्प प्रोटोकॉल प्रो तो है और आप जानते हैं बिना इस प्रोटोकॉल के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना लेट मी मेक माई सेल्फ डाउन हवा में लटक रहा हूं मैं है ना थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं और थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता हूं चलिए है ना तो काफी इंटरेस्टिंग है चलो तो एस मतलब हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल और यह प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसके बिना आपका इंटरनेट नहीं चलता जिसके बिना आपका नेटवर्क नहीं चलता जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सबसे पहले कोई भी वेबसाइट को एंटर करने के लिए आपको बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है वो है आपकी हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लियर है चलो अगला एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जितनी भी फोटो आप भेजते हैं किसी को जितनी भी वीडियो आप भेजते हैं किसी को या कुछ भी आप किसी भी तरीके की फाइल ट्रांसफर करते हैं तो वो फाइल कैसे ट्रांसफर होती है गाइज एफ की मदद से जब आपकी फोटो किसी को चली जाए ना आराम से तो बोल दिया करिए एफ थैंक यू वेरी मच है ना क्योंकि ये क्रेडिट किसको जाता है एफ को जाता है अगला टेलनेट टेली टाइप नेटवर्क टेली टाइप क्या है टेलनेट क्या है रिमोट प्रोटोकॉल है है ना जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आपके सिस्टम पर कोई प्रॉब्लम आ गई या आपके मोबाइल फोन में कोई दिक्कत आ गई अब आप सोच रहे हैं किससे कहें किससे कहें तो आपको याद आया कि अरे वो हमारे कंप्यूटर वाले सर है ना उनसे पूछते हैं यानी सचिन सर से पूछते हैं है ना तो आपने सचिन सर को कहा कि सर एक प्रॉब्लम आ गई है हमारे हाँ कंप्यूटर में ये सही नहीं चल रहा है कुछ हेल्प कर दीजिए हम कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं एक सॉफ्टवेयर में बता रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लो जैसे एम एडमिन और अपने कंप्यूटर को या मोबाइल फोन को सपोर्ट पे दे दो और हम घर बैठे यानी अपनी ऑफिस में बैठकर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देंगे है ना आपके हम मोबाइल फोन को एक्सेस कर लेंगे आपके लैपटॉप को घर बैठे या ऑफिस बैठकर हम उसको एक्सेस कर लेंगे किसी भी समय तो ये पॉसिबल होता है जिस रिमोट की मदद से दैट इज कॉल्ड टेलनेट क्लियर है वेरी गुड अब है एसएमटीपी अब आपको किसी को मेल भेजना है है ना अब देखो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ये तो फ्रेंड्स में चलता है लेकिन अगर ऑफिशियल अगर सपोज करिए कि आप बैंक में पीओ बन गए है ना या आप किसी एग्जाम को क्रैक कर लिया बड़े लेवल पर पहुंच गए अब वहां पर व्हाट्सएप जैसी छोटी चीजों को थोड़ी ना यूज करेंगे अब आप मेल का यूज करेंगे है ना अब आप क्या बन चुके हैं आप प्रोफेशनल बन चुके हैं बैंक में बैठे हुए हैं सपोज करिए है ना एसी वाला केबिन है बढ़िया कस्टमर आपके पास में आ रहे हैं फीलिंग आ रही है ना चलो इस फीलिंग को जगा के रखना तो ये है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल को भेजने के लिए आगे डिस्कस करते हैं पीओपी थ्री पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन थ्री आपने मेल भेजा और आपके द्वारा मेल जो भेजा वो किसी को मिला वो मिला किसके थ्रू पीओपी थ्री के थ्रू यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थ्री इज यूज फॉर रिसीविंग दर एज एस एम टी इज यूज फॉर सेंडिंग ये बात क्लियर है चलो बहुत बढ़िया डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेटवर्क सिस्टम डोमेन का मतलब क्या होता है नेटवर्क में एज अ सर्वर जो आपका कंप्यूटर होता है उसे डोमेन नेटवर्क सिस्टम के नाम से जाना जाता है अगला डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी ये प्रोटोकॉल भी आपकी होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी के लिए यानी सर्वर टू क्लाइंट कनेक्टिविटी के लिए यूज की जाती है This is also one of the very important protocol for client-server connection, DHCP. अगला है आपका SSL, एस Socket Layer protocol. कई बार आप लोग देखते हैं इंटरनेट पर कि आपकी जो HTTP टी प्रोटोकॉल है उसकी शुरुआत एस टी से होती है जहां S मतलब होता है सिक्योर्ड और ये सिक्योर्ड किसके थ्रू बना तो आंसर है SSL भाई साहब के थ्रू बना यानी सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू किसी भी वेबसाइट को सिक्योर बनाया जाता है उसकी ट्रांजैक्शन या उसकी गतिविधियों को सिक्योर यानी सुरक्षित किया जाता है क्लियर है वेरी गुड अगला टी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी मतलब कि जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड यानी डेटा का आवागमन जितना भी होता है उसको सिक्योर करने की बात किसकी है TLS की है देखो होता क्या है जब हम किसी भी डेटा को इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं या नेटवर्क के थ्रू भेजते हैं तो जो हैकर होते हैं ना वो कहते हैं ये डेटा ये डेटा डेटा मुझे मुझे दे दे दो दो ठाकुर ठाकुर है ना तो आप कहते हैं नहीं 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 डेटा मत लो तो कहता अच्छा मैं कोशिश करूंगा अगर सिक्योरिटी आपकी ज्यादा हुई तो हम नहीं लेंगे ये सिक्योरिटी इंटरनेट पर प्रोवाइड होती है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के द्वारा मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ये क्या है जितने भी अटैचमेंट आपके मेल में होते हैं जैसे आपने किसी को मेल भेजा और वहां पर आपने अपना सीवी उसको भेजा अटैच करके है ना आपने उसको भेजा अटैच करके अब वो सामने वाला जो रिसीवर है वो उस मेल के सीवी को क्या करेगा डाउनलोड करेगा अपने में तो ये डाउनलोड किसके तहत हो पाया और आपने अपलोड किसके तहत किया तो यानी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग मेल में करने का काम माइम का होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का होता है क्लियर है आगे बात करते हैं पीपीटीपी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल ये क्या है ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन में यूज होता है आप जानते हैं कि वो सारी वेबसाइट जिनको एक्सेस कर पाना पॉसिबल नहीं है उन सभी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है वीपीएन के तहत या जितने भी बड़े बड़े हैकर भी हैं वो भी वीपीएन का यूज करते हैं हैकिंग करने के लिए और इस केस में जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वो प्रोटोकॉल है आपकी पीपीटीपी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ए मशीन जितनी भी होती हैं वो सब पीपीटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती हैं जिसके तहत ए मशीन को हैक कर पाना टिपिकल हो गया पहले आप लोगों ने इंफॉर्मेशन सुनी होगी कई बार कि ATM मशीन फला, फला जगह लगी थी हैक हो गई लेकिन अब इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं आती है अब इंफॉर्मेशन ये आती है कि एटीएम मशीन फला फला जगह लगी थी लेकिन अब है नहीं वहां पर क्योंकि अब वो हैक तो हो नहीं पाती तो हैकर उस पूरी मशीन को उठा कर ही रातों रात ले जाते हैं तो ये क्रेडिट किसको जाता है क्रेडिट जाता है पीपीटीपी को कि उसने इतना सिक्योर बना दिया नेटवर्क को कि नेटवर्क को हैक कर पाना पॉसिबल नहीं है आगे बढ़ते हैं नेट बायोस नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी नेटवर्क की बेसिक इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेट बायोस की होती है आरपीसी रिमोट प्रोसीजरल कॉल रिमोट का मतलब क्या है गाइस यानी एक जगह से दूसरी जगह पूरी कनेक्टिविटी बनाने का काम किसका है आरपीसी का है टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप किसी को टेक्स्ट भेज रहे हैं या डेडिकेटेड नेटवर्क का यूज कर रहे हैं जैसे केबल्स तो इसका मतलब कि आप टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं और अगर आप वायरलेस मीडियम का यूज कर रहे हैं है ना जैसे आप वॉइस कॉलिंग कर रहे हैं या लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी है और ये है आपका यूडीपी आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इंटरनेट पर पूरे मैसेजेस को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईसीएमपी की क्लियर है वीलैन का मतलब होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक ऐसा नेटवर्क जो आपकी नेटवर्क की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम करता है दिस इज कॉल्ड वीलैन एटीएम का मतलब है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड यानी ट्रांसफर मोड को काफी दिलचस्प तरीके से ये मेंटेन करके रखता है और एसिंक्रोनस कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करता है एआरपी मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये आपकी आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करने में मदद करता है जब आपको आईपी एड्रेस पता हो या मैक एड्रेस फाइंड आउट करना है ये सब काम आपका एआरपी यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल करता है स्लिप मतलब सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल है यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होती है पीपीपी का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कनेक्टिविटी करना यह पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का काम है इसके अलावा वाईमैक्स माफ कीजिएगा वाईमैक्स मतलब वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल के तरीके से यूज होती है नेटवर्किंग में तो दिस इज ऑल अबाउट ओ एस आई मॉडल एंड दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटोकॉल्स. तो गाइज आई होप कि ये जो मॉडल का पूरा कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आया होगा ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस सेशन में आपको सबसे अच्छी बातें क्या लगी ये भी आप मुझे बताइएगा लेयर्स को याद करने के लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या है ये भी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं तो गाइस इसी तरीके की वीडियोस को लेकर मैं यहां पर आपके सामने आता रहता हूं और बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में फिर से हाजिर हूंगा लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसी शानदार और दिलचस्प वीडियोस के लिए मिलेंगे बहुत जल्द गाइस नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय एंड टेक केयर